हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइज के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 का कौन सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल स्टार्ट किया था उसका हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के हिसाब से जो ग्रुप ए से लेके ग्रुप आई तक जो हमने बांटे थे वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे क्या, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, या इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं सॉरी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 प्रकार के, वैसे में नहीं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे वो बांटे गए थे, उनके ऑक्यूपेंस यानी उनके रहने के आधार पे, उनके एरिया के आधार पे कि वहाँ हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या काम होता है, उसके आधार पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 9 तक नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर। अब हम बांट रहे स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कि लोड बेयरिंग है, कि फ्रेम है, फ्रेम यानी कि उसमें वॉल लगा हुआ है, यानी वो सब होता है। ठीक, अभी ये तीनों जाके तीनों के बारे में जानेंगे तो पता चल जाएगा। उससे पहले आप सबको सही का टीच वेल क्लास में आपका सबका स्वागत है। ये सेशन जांच ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग इस पूरे जो चल रहा है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसका जांच ज्यादा अच्छा से अच्छा फायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिव, मतलब कोट समझिए, हौसलों से काम करते रहिए अपने इरादों को मजबूत करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पूरी तरह से लोड लेगा अपने आप पे। आपको देखिए वो सीरीज होता है पहले, ठीक, स्लैब, स्लैब यानी कि जो आप रूफ बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में स्लैब बोला जाता है। स्लैब यानी कि ऐसा रहेगा कुछ, ठीक, छत ऐसा ही ना रहता, उसको देखिए आगे सामने से कुछ ऐसा ही दिखेगा वो, तो ये हो गया स्लैब। स्लैब के बाद आता है बीम, बीम देखिए इसके नीचे यहां पर आता है, आगे से फिगर कटा हुआ है, ठीक, तो क्या हो गया बीम। बीम के नीचे देखिए इसके जस्ट नीचे यहां पे आता है ये वर्टिकल मेंबर, आप घर में देखे होंगे जिसको बोलते हैं पिलर सब बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, COLUMN, कॉलम। कॉलम देखिए, अब कॉलम हम नीचे लेके आएंगे, ठीक, यहाँ कॉलम के नीचे एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन यानी कि प्लिंथ लेवल जो होता है यहाँ पे उसके नीचे फाउंडेशन, ये हमारा मिट्टी के अंदर का पार्ट हो गया। यहाँ नीचे ये सिंपली ऐसे कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है यानी कि स्लैब की तरह यहाँ पे बिछा के ये मिट्टी में अंदर डाल दिया जाता है ताकि पूरा जो भी बिल्डिंग का लोड है ये इसके अंदर समा सके, यहाँ पे हमारा प्लिंथ हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक, ये भी कंक्रीट का ही बना रहता है। तब देखिए लोड, लोड यानी कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे आप लोड लगा रहे हैं कि नहीं, आप रह रहे हैं आपका कुछ वजन उस बिल्डिंग पे लग रहा है, बिल्डिंग का अपना कुछ सेल्फ वेट होगा जिसके कारण वो मूव नहीं हो पाता है, तो वही सोचिए वो जो लोड लग रहे हैं वो लोड आखिरी में जाके कहीं ना कहीं तो आप मिट्टी के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं बिल्डिंग में, फाउंडेशन नीचे जो बन रहा है वो मिट्टी में ही जाके आखिरी में कहीं ना कहीं है, शुरुआत तो वहीं से होता है, ऊपर से नीचे जा, ऊपर से नीचे लोड जाएगा तो आखिरी में जाके तो मिट्टी में ही उसको लगना है, तो वही मिट्टी में जो लग रहा है उसको लोड का देखिए किस प्रकार चलता है, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से प्लिंथ, मतलब प्लिंथ या इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लिंथ से डायरेक्ट इसको बोलते हैं फाउंडेशन, ये जो पूरा एरिया है यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन ये नीचे जो बच गया ये क्या है हमारा सॉइल यानी कि मिट्टी, इस पे आके आखिरी में पूरा जितना भी लोड लग रहा है हमारा सेल्फ वेट हो या उस पर किसी प्रकार का लाइव लोड, लाइव लोड यानी कि जो कुछ देर के लिए रहे फिर इधर उधर स्थिर हो जाए, सेल्फ वेट यानी कि डेड लोड वो पूरी तरीके से वहीं के वहीं रहता है, ठीक। उसके बाद विंड लोड यानी कि हवा भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा ही रहा होगा, बहुत कम लगा रहा है लेकिन लगा तो रहा है ना चारों तरफ से, आप पढ़े ही हैं साइंस में कि एक आदमी क्यों नहीं हिलता, क्योंकि चारों तरफ से उसका प्रेशर हवा का समान रहता है, तो प्रेशर समान कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल ही रहा होगा, ऊपर से आप उसमें
सॉरी फर्नीचर रखे हुए हैं, अपना बेड रखे हुए हैं, अपना फिर फ्रिज टीवी ऐसी जो भी लगा हुआ है अलग अलग रूम का, फिर अलग अलग ये स्लैब इस सब का है, सब का जितना भी लोड है आखिरी में जाके हमारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सॉइल में। तो वही बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं स्लैब बीम कॉलम, इसके आधार पर हम ये कंस्ट्रक्शन को बांट रहे क्या, तो लोड बेयरिंग फ्रेम बेयरिंग एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। ठीक, आप सब समझ चुके हैं कि मिट्टी तक जो होता है, मतलब मिट्टी तक जो होता है स्लैब से लेकर मिट्टी तक लोड कैसे काम करता है, लोड किस तरीका से नीचे जाता है। ठीक, देखिए पहले हम सब क्या जाने, स्लैब, स्लैब से लोड कहाँ जाएगा, बीम में, बीम से लोड कहाँ जाएगा, कॉलम में, कॉलम से लोड कहाँ जाएगा, फाउंडेशन में। फाउंडेशन से फाइनली कहाँ जाएगा हमारा, सॉइल में। दिख रहे हैं, नहीं रुकिए तो, हाथ दिख रहा है आपको, फाउंडेशन कहाँ जाएगा, सॉइल में। तो इस प्रकार देखिए लोड का, लोड पहले यहां पे जो भी था लोड इस प्रकार यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर, उसी प्रकार इधर इधर करते हुए आखिरी में स्लैब से लेके सॉइल तक चला जाता है। इसी को मतलब लोड को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, जिस प्रकार स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को, उसी के आधार पे हम बताते हैं कि फ्रेम बेयरिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर है या लोड बेयरिंग है या कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आप समझ लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है, समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेंगे। उसके उससे पहले आप लोग ये चीज जान लीजिएगा कि लोड बेयरिंग वॉल क्या होता है। लोड बेयरिंग वॉल यानी कि देखिए हम जो भी दीवार लगा रहे हैं घर में, यानी कि ये जो दीवार लगाए हम घर में, सामने से काट के देखने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक, ये जो दीवार लगाए हम घर में, जो भी लोड आ रहा है स्लैब से, जो भी लोड आ रहा है वो बीम के, यानी कि जो ये दीवार बीम बीम से कॉलम पे आता था वो इस दीवार पे आ रहा है, यानी कि ऊपर से जो भी लोड लग रहा है ये दीवार के सहायता से, नीचे जो फाउंडेशन बनाए हैं ना हम, वो भी ईटा का ही बना हुआ है, तो उसी को वॉल सिर्फ बना हुआ रहता है, और लोड बैंक का फाउंडेशन ज्यादा गहरा रहता है ताकि आराम से वो टिक सके। ठीक, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वॉल को हम क्या बोलेंगे, लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल, ठीक, इसी वॉल की जगह ये पिलर रहता, ये पिलर रहता कंक्रीटिंग किया हुआ ऐसे। ठीक, तो इसको तब हम क्या बोलेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम, फ्रेम फ्रेम बोलेंगे या कॉलम बोलते हैं इसी को। ठीक, अब देखिए दीवार और पिलर, हमारे घर में दीवार और पिलर दोनों मिलके ना लोड उठाते हैं, तो उसे अवस्था हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोला जाता है। ठीक, समझ गए, बस माइनस छोटा छोटा सा डिफरेंस है और कुछ है। तीनों का फिगर तो ऐसे आप पहले देख ही चुके हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अभी इसको देख लीजिए, फिगर तीनों का बना के बता देते हैं। अभी हमने जो फिगर बनाया था वो था किसका, फ्रेम स्ट्रक्चर का, ना होगा तो पीछे जाकर नोट कर लीजिएगा। देखिए ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास भी मेरे पास भी, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो बनता तो वो भी फिर देखने में बोरिंग हो जाता है, तो छोटा छोटा बता के जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचा देंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक, तो वही देखिए अभी बताया था, उसके बाद आप देखिए इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले लोड बेयरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल, एक पार्टीशन वॉल होता है यानी कि आपस में दो चीजों को बांटने का काम करता है वो, तो उसको देख लेते हैं। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, फिर ये इन तीनों से पहले वो दोनों लिख लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक, आप तब तक इसको हेडिंग बनाएगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करके, और तीनों लिख के फिर उसका बॉल अलग कीजिएगा। मिलते हैं अभी।
चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे क्या लॉर्ड वेरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल के बारे में, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। लॉर्ड वेरिंग वॉल यानी कि पूरा जो बिल्डिंग का लोड होगा स्लैब बीम कॉलम का, उसके ऊपर लोड आके आखिरी में सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पार्टीशन वॉल वो किसी प्रकार का लोड नहीं लेता, खाली रूम को आपस में बांटने का काम करता है, या जो भी हमारा फ्लोर लेवल है, यानी कि जो भी हमारा पहले छत था तो एक तरीके से फ्लोर ही है ना, वो फ्लोर लेवल है, उसमें बस दीवार को उठा दिया जाता है डिवाइड करने के लिए रूम को, बरांडा को, किचन को, इन सब चीज़ों को। ठीक, अब मतलब कि एक प्राइवेट स्पेस हम लोगों को पाने के लिए बस उसको यूज़ किया जाता है। लाइक के देख लेते हैं इसमें क्या है। और हाँ, जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखा हो वो उसको साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको काम दे आगे। ठीक, क्या द वॉल विच ऑलवेज रेस्ट ऑन द फाउंडेशन। देखिए ये क्या हमेशा रेस्ट करता है किस पे, फाउंडेशन पे। टेक इन डीप इन टू द अर्थ, जो कि गहराई में होता है, अर्थ के गहराई तक मतलब रहता है, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मीटर नीचे तक ले जाके उसको बनाया जाता है। किसको, ये लॉर्ड वेरिंग वॉल को, वो फाउंडेशन के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। फाउंडेशन जैसे कि मिट्टी का लेवल है ना, तो यहाँ हम इसके नीचे जो गड्ढा करके फाउंडेशन देते हैं उसी के साथ उसी के ऊपर लॉर्ड वेरिंग वॉल को बना दिया जाता है, ताकि उसका जो भी लोड आए वो नीचे साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सॉरी, उसका क्या, इट ट्रांसफर्स ऑल लोड इंक्लूडिंग। देखिए ट्रांसफर करता है ऑल लोड इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब साथ में सब, कौन कौन सा, सेल्फ वेट। देखिए सेल्फ वेट को क्या बोल सकते हैं आप यहां पे, डेड लोड। सेल्फ वेट लोड फ्रॉम स्लैब बीम कॉलम विथ लाइव लोड। लाइव लोड यानी कि जैसे कि एक आदमी अभी एक रूम में रह रहा है, ठीक, फिर वहां से निकल के वो दूसरे रूम में चल गया, तो उसका लोड है वो इस रूम से उस रूम में ट्रांसफर हो गया कि नहीं, तो वो उसी को बोलते हैं लाइव लोड। यानी कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहे, इसको सुपर इम्पोज लोड और इम्पोज लोड भी बोला जाता है। किसको, लाइव लोड को। लाइव लोड द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर देखिए, ये कोई बिल्डिंग है, ये नीचे जमीन में इसका फाउंडेशन है, ठीक, यहाँ तक ये जमीन है, तो जमीन से जमीन के यहाँ पे जो काटे है ना उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। प्लिंथ लेवल से जो भी ऊपर रहता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है, नीचे वाले को सब स्ट्रक्चर, इसी को हम फाउंडेशन बोलते हैं। दिख रहा है, यानी रुकिए तो, हाँ दिख रहा है आपको, तो भाई सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं, इसी को फाउंडेशन भी बोला जाता है। इसी को फाउंडेशन भी बोला जाता है, इस लेवल को प्लिंथ लेवल बोला जाता है। ठीक, मतलब ग्राउंड और ग्राउंड के नीचे के बिल्डिंग के पार्ट को, ग्राउंड के ऊपर के बिल्डिंग के पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है, उसको प्लिंथ लेवल बोला जाता है। सुपर स्ट्रक्चर ऑन द सब सॉइल, जो भी सब सॉइल के सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड आएगा उसको सब सॉइल पे लोड बेयरिंग वॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, या ट्रांसफर करने का काम करता है। किसके ऊपर, तो सब सॉइल के ऊपर, विच इज रेस्ट, जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर वो स्थिर है। ठीक, इन ऑर्डर टू गिव इट मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, स्थिरता, स्टेबिलिटी एट द बेस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल। मतलब लोड बेयरिंग वॉल का बेस से जो, यानी कि ऊपर से जुड़ते हुए सबसे नीचे तक जो गया है, उस बेस को हम स्टेबिलिटी और मोर स्टेबलेस यानी कि ज्यादा स्थिर बनाने के लिए वाइडर फुटिंग। फुटिंग देखिए इसको कहा जाता है, नीचे अभी आप मैंने डायग्राम बताया था तो आपको यहाँ पे एक ऐसे करके बनाया था ना, नीचे यहाँ से कंक्रीटिंग बोलते हैं दे दिया था, तो उसी को फुटिंग बोला जाता है, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे बना हुआ था इसी को फुटिंग बोला जाता है। ठीक, तो इसी को, इसको ज्यादा चौड़ा कर दिया जाता है ताकि लोड बेयरिंग वॉल स्थिर हो सके। हमारे घर वाला देखिए, गांव में जो भी पुराना घर होगा उसका दीवार देखे होंगे आप, इतना मोटा मोटा रहता था, क्यों, और वो सब ज्यादा मजबूत क्यों है, तो उसका जो फाउंडेशन है उसमें कम से कम इतना चौड़ा चौड़ा दिया गया होगा, उसका फुटिंग उसका इतना, उसके ऊपर लाते लाते इतना हुआ होगा, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा ही प्रेशर उसका झेल सकता है, लोड उतना ज्यादा ले सकता है वो, पर राइट उसको दिया जाता है। ठीक, तो लोड बेयरिंग वॉल कुछ नहीं था, लोड बेयरिंग वॉल बस यही है कि जो भी हम कॉलम और पिलर्स की जगह पे हम जिसका उपयोग करते हैं लोड को लेने के लिए, पुराने जमाने में जिसका उपयोग किया जाता था
उसी को। अब पुराने जमाने हम देखे होंगे कि जो पिलर्स भी हुआ करते थे वो भी ईटे के इतने मोटे मोटे हुआ करते थे, ऐसे चारों तरफ गोल करके ऊपर तक ले जाया जाता था उसको। तो वही इसी कारण उसका नाम लोड बेयरिंग वॉल पड़ गया, क्योंकि वो डायरेक्ट ही लोड लेके जमीन आपको भेज रहा है, बीच में कॉलम पिलर ये सबका कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन पार्टीशन वॉल क्या है? तो दिस इज नॉट टेक एनी लोड, ये किसी प्रकार का लोड नहीं लेता है। लाइक ए लोड बेयरिंग वॉल, किस जैसे लोड बेयरिंग वॉल लेता है उस प्रकार का ये लोड किसी प्रकार का लोड नहीं लेता। इट लाइक इट इज एक्ट लाइक ए पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल मतलब कि डिवाइड या भाग देने वाला, बांटने वाला, इसको लिख लीजिए सीधे पार्टीशन वॉल। बांटने वाला दीवार, दीवार रेस्ट जस्ट अबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल के ऊपर ही रेस्ट करता है। अब देखेंगे अपने घर वर सब जो नया जमाना बन रहा है वो फ्रेम वेयरिंग पे बन रहा है, यानी कि इसी पार्टीशन वॉल का यूज करते हुए बनता है। तो वो देखते होंगे आप फ्लोर बनाए उसी के ऊपर से दीवार स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि उसके बिल्कुल फाउंडेशन से एक ही दीवार लगता हुआ रहा, वैसा नहीं ना होता है। तो वही बस ये फ्लोर लेवल के जस्ट ऊपर रहता है। इट इज यूज लाइक इनक्लोजर, इनक्लोजर यानी कि बंद करने वाला लाइक इनक्लोजर। ये हटा देते हैं, बंद करने वाला फॉर रूम, रूम को बंद करने के लिए बस इसको यूज किया जाता है, किसको, पार्टीशन वॉल को। यानी कि देखिए कॉलम, यहाँ स्लैब, यहाँ पे बीम बना के फिर यहाँ पे स्लैब, बीच में बस इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे ईटे का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी जो ईटे का प्रयोग करेंगे पीछे तरफ, तो उसी को बोलेंगे पार्टीशन वॉल। लेकिन हाँ यह लोड बेयरिंग रहता तो हम इसको पूरा यहीं से ईटा का ही बनाते हुए आते, ये भी जो डालते कड़ी, आप सब सुने होंगे पुराने जमाने में कड़ी लगा रहता है, या हमारे छत पे देखेंगे पुराने घर जितने भी हैं उसमें ऐसे लकड़ी का लगा हुआ रहता है, तो उसी के ऊपर ईटा डाल के ढलैया कर दिया जाता था, उसी को कड़ी बोलते थे। यानी कि उसमें प्रॉपर रूप से पूरी तरीके से ईंटे का यूज होता था, इसलिए उसको लोड बेयरिंग बोला जाता है। इसमें पिलर ये सब का भी यूज होता है, ठीक, इसलिए इसको फ्रेम बेयरिंग में और पार्टीशन वॉल में रखा जाता है। यही हो गया। देखिए डेड लोड या सेल्फ वेट का मतलब होता है खुद का लोड, या इसको बल भी बोल सकते हैं, खुद का बल, ठीक। ये सब छोटे छोटे चीज लिखते चले गए ताकि आपको आपको काम आ सके। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, तो स्ट्रक्चर पहला क्या था, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर, ये तीनों देख लेते हैं। उसका लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, उसका 1.1 खत्म हो जाएगा आपका, फिर 1.2 देखेंगे जिसमें कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी हम बिल्डिंग पढ़ रहे हैं उसका कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, जैसे बीम है, कॉलम है, पिलर है, छज्जा है, विंडो है, ये सब के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं लोड बेयरिंग, अभी लोड बेयरिंग वॉल और लोड पार्टीशन वॉल के बाद हमने बताया था लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर देखना, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए उसका फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, होप सो आपने फिगर देख लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मतलब बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आप फिगर में आप देखे होंगे या दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें देखिए कॉलम भी दिया गया है, यानी कि पिलर जो दिया गया वो भी पूरा दिया गया है ईटे से। उसका दीवार देखिए कितना मोटा मोटा है, वो मतलब ऊपर का जितना भी लोड है वो उसी उन्हीं सब पे आ रहा होगा, इसलिए उस वॉल को लोड बेयरिंग वॉल बोला जाता है। और नीचे भी वो वॉल वैसे के वैसे नीचे चला जाता है। देखिए इट इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम, मतलब एक बनावट का सिस्टम है, किसका, ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का बनावट का एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है, यानी कि अपने आप अपने पास रखता है किसको, फ्लोर को, स्लैब को, बीम को, विथ ए लोड बेयरिंग वॉल, इन सब चीजों को रखता है किसके साथ, लोड बेयरिंग वॉल को, यानी कि जो लोड बेयरिंग वॉल होता है वो इन सब चीजों से मिलकर बनाया होता है, समझिए। तो फिर क्या, बिल्डिंग अप टू 3 फ्लोर, 3 फ्लोर तक जनरली ये जा सकता है, कैन गो 3 फ्लोर तक लोड बेयरिंग वॉल, लोड बेयरिंग वॉल के सहायता से हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को 3 फ्लोर तक बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, उससे ज्यादा बनाएंगे तो नीचे धसने लगेगा। द थिकनेस ऑफ वॉल एट अपर फ्लोर, मतलब जो भी मोटाई होती है थिकनेस,
वो अपर फ्लोर यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए वो कम होती जाती है, लेस कंपेयर टू, मतलब तुलना करने पे कंपेयर टू लोअर फ्लोर, नीचे के फ्लोरों के तुलना में। रिजल्ट क्या होता है उससे, कारपेट एरिया यानी कि दरी बिछाने दरी भी छाने का जगह या रहने का जगह बोल सकते हैं, कारपेट एरिया। अब जैसे कि देखिए नीचे वाले फ्लोर में दीवार मोटा होगा तो एक रूम में स्पेस कम बचेगा, लेकिन वही दीवार ऊपर जाके पतला होगा तो स्पेस ज्यादा ना होगा, तो उसी को बोलते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया इज अवेलेबल, अच्छा से उपलब्ध हो जाएगा एट द अपर लेवल, अपर फ्लोर पे वो अच्छा से उपलब्ध हो जाएगा। किसके कारण, नीचे दीवार मोटा होता है ऊपर जाके दीवार पतला होता है, उसके कारण कारपेट एरिया हमको ज्यादा मिलेगा। और हमको कितना, तो तीन फ्लोर से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। किसमें, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्लोर और स्लैब बीम और लोड बेयरिंग वॉल के साथ उपलब्ध होता है। इन दिस स्ट्रक्चरल सिस्टम, इस प्रकार के बनावट सिस्टम में वेट ऑफ बिल्डिंग, जो भी वेट होता है वेट ऑफ बिल्डिंग या डेड लोड इसी को बताया था मैंने, प्लस लाइव लोड जो भी लाइव होता है गेट ट्रांसफर्ड, मतलब वो नीचे दे दिया जाता है किसके, ग्राउंड ग्राउंड को, और उसको ट्रांसफर करने में किसके द्वारा, किसका मदद लिया जाता है, लोड बेयरिंग वॉल के द्वारा, किसका, बिल्डिंग का सेल्फ वेट और लाइव लोड जो भी उस पर लगेगा वो सॉइल में ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, तो लोड बेयरिंग वॉल के द्वारा किया जाता है। वॉल्स बियर लोड रूफ, जो भी होता है वॉल्स वो किसका बियर यानी कि किस किस का लोड सहता है या अपने ऊपर लेता है, किसका, तो रूफ का, छत का, फ्लोर का। छत और फ्लोर में अंतर होता है, देखिए छत हो गया जो उसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, ठीक, और फ्लोर हो गया कि उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, फ्लोर का। एंड ऑल्सो सेल्फ वेट यानी कि जो भी सेल्फ वेट होगा वो, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें देखिए लोड किस प्रकार फ्लो करता है, उसका पाथ क्या क्या होता है। पहले तो स्लैब में हम जो भी लोड लगा रहे हैं वो होगा, स्लैब से वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा वॉल में, वॉल से फिर वो कहाँ जाएगा, तो वॉल से जाएगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन क्योंकि वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। अभी आप मैंने बताया कि लोड बेयरिंग वॉल जो भी होता है वो फाउंडेशन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो भी यहाँ पे हम दीवार बना रहे हैं वो नीचे जाके ये फाउंडेशन है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। रुकिए तो नहीं दिख रहा है, रुकिए, यहाँ पे, हाँ देखिए जो भी हम दीवार बनाए हैं ऐसे वो नीचे जाके फाउंडेशन से इसे जुड़ा हुआ रहेगा, वही जाके मोटा होते जाएगा, ठीक, और फ्लोर दर फ्लोर पतला होते जाएगा ऊपर दीवार, यानी कि मान के चले यहाँ एक, यहाँ पर एक फ्लोर खत्म होता है तो हम उसके ऊपर यहाँ से पतला करते जाएंगे, ठीक, तो वही मोटा रहता है नीचे, तो वही मतलब वॉल से ही जुड़ा हुआ रहता है। उसका जो फाउंडेशन हम देते हैं इस बिल्डिंग में, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बिल्डिंग जो होता है वो वॉल से यानी कि दीवार के ऊपर ही ना टिका रहता है पूरा चीज, वो कितना लोड ले रहा है और कितना ट्रांसफर कर रहा है उसी पर निर्भर करता है, तो इसलिए वॉल के बाद सीधे फाउंडेशन में आ जाता है और स्लैब से सीधे वॉल में आता है लोड। बीम और पिलर का इसमें कोई जगह ही नहीं रहता, क्योंकि वो भी बने हुए थे किसके, ईंटे के ही, तो उससे सीधे वॉल में आ जाता है। यही था लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इतना आप उतारिए, उसका देखते हैं आप फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर, उसका भी फिगर हम यही साइड में लगा देंगे जिससे इसका फिगर लगा हुआ था अभी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर देख लिया था। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में एक वॉल होता है, लोड बेयरिंग वॉल वही ऊपर से लेकर फाउंडेशन तक वही होता है सिंपली। लेकिन फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में तीन चीज काउंट किया जाता है, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन, एक प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी रहता है उसमें वॉल आता है, उससे नीचे वॉल नहीं आता, उससे नीचे फाउंडेशन का खाली सिंपल काम किया हुआ रहता है। किसके साथ कॉलम भी दिया रहता है, फुटिंग दिया रहता है, उसी को बोलते हैं। इसमें हम ज्यादा डीप तक भी नहीं जाते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ लीजिएगा ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट स्लैब कॉलम स्लैब बीम कॉलम इन द इन ए सिस्टमेटिक पैटर्न। वैसा स्ट्रक्चरल सिस्टम बिल्डिंग का जो कि अपने पास क्या क्या कंसिस्ट करता है, स्लैब बीम कॉलम इन ए सिस्टमेटिक पैटर्न। सिस्टमेटिक पैटर्न कहने का मतलब है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम स्लैब लिए हैं तो इसके नीचे यहाँ पे बीम होगा कहीं, इसी के नीचे हल्का सा यहाँ पे ये कोना पे कॉलम होगा, कॉलम के नीचे फिर एक स्लैब होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा,
इसी प्रकार का सिस्टम बना हुआ रहता है, ये नहीं कि एक कॉलम हम यहाँ दिया, अगला एक कॉलम यहाँ दिया, वैसा नहीं, एक ही कॉलम चलते हुए आता है, ठीक, सिस्टम रूप से एक ही कॉलम चलते हुए आता है, सिस्टमेटिक रूप से। सिस्टमेटिक कहने का मतलब यही हुआ, पैटर्न में, इज नोन एज फ्रेम स्ट्रक्चर, उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। इन दिस सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में लोड फ्रॉम स्लैब, जो भी लोड रहता है स्लैब से ट्रांसफर होता है कहाँ पे, ट्रांसफर टू द बीम, बीम पे ट्रांसफर होता है, बीम से कहाँ ट्रांसफर होता है, कॉलम पे, कॉलम से कहाँ ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन या फुटिंग पे, अब फुटिंग से फाइनली सॉइल पे यानी मिट्टी पे ट्रांसफर हो जाता है, मिट्टी पे फाइनली ट्रांसफर हो जाता है। ऑल वॉल्स आर रेस्टिंग, यानी कि जो भी वॉल रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ओवर द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर वो रेस्ट करते रहते हैं, फाउंडेशन में उनका कोई काम नहीं होता है। इन दिस स्ट्रक्चरल सिस्टम लोड फॉलोस पाथ, इस प्रकार के स्ट्रक्चरल सिस्टम में लोड जो होता है अपना किस प्रकार पाथ फॉलो करता है, पहले वो स्लैब में जाता है, स्लैब से बीम में आता है, बीम से ट्रांसफर कहाँ होता है, कॉलम में, कॉलम से कहाँ, फाउंडेशन में, फाउंडेशन से फाइनली सॉइल में चला जाता है, फाउंडेशन में ही फुटिंग बोला जाता है, ठीक। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट है किसका, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का ये रिप्लेसमेंट है। बोलते रहे हैं अरे आग लो नए का मोबाइल, आग लो अरे छोट पुरान का मोबाइल, छोट नए का मोबाइल, यानी कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम दूसरा लेके आए हैं, वही है, ये रिप्लेसमेंट है किसका, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में देखिए पैसा ज़्यादा लगता था, 10-10 इंची का मोटा मोटा दीवार पड़ता था फाउंडेशन में, और ज़्यादा मोटा मोटा दीवार, ईटा का ज़्यादा खर्च उसी में चला जाता था पैसा का, तो उस सब चीज़ का छोटा सा कम आया, फिर सीमेंट का अलग से पैसा लगता था, लेकिन सीमेंट अब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों की तुलना में कम पैसा, फिर भी कम पैसा लगता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के तुलना में फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में, ठीक। इट इज द मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि बहुत ज़्यादा लचीला है, मतलब लचीला है किसके कारण, पैसे में, कंपेयर विद द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इट इज ए सिस्टम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का सिस्टम है, किसका किसका, कॉलम का, बीम का और स्लैब का। देखिए 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 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा उसका फिगर, फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा किस प्रकार होता है ये देखिए। होप सो आप देख लिए होंगे, तो इसमें देखिए पहले नीचे से कॉलम आया, फिर उसके ऊपर हल्का सा कहीं कहीं बीम दिख रहा होगा आपके, फिर उसके ऊपर स्लैब, फिर उसके ऊपर कॉलम है, फिर स्लैब है, फिर उसके ऊपर कॉलम, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनता है वो इसी पैटर्न में बनता है, पार्टीशन वॉल मैंने आपको जो पढ़ाया ना तो वो इसमें ही आता है, पहले कॉलम पिलर उठा, कॉलम और बीम ये सब उठा लेते हैं, उसके बाद फिर चारों पट्टी से दीवार लगा के हल्का पार्टीशन वॉल लगा के उसका जो होता है उसको खींच देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, भाग पार्ट पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रूम किचन बाथरूम ये सब में डिवाइड कर दिया जाता है सिंपली। तो यही था फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम पहले वॉल का यूज नहीं करते, हम वॉल को हम आखिरी में लगाते हैं, ठीक। और फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो भी होता है हमारा कारपेंट्री का कारपेट एरिया लार्ज मिलता है, किसकी तुलना में, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तुलना में लार्ज मिलता है कारपेट एरिया, यानी कि वही दरी बिछाने की जगह, और खिड़की ये सब वगैरह ज़्यादा बड़ा बड़ा हम खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में पूरा दीवार का वेट आएगा खिड़की पे लकड़ी पे तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन उस फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल का लोड कुछ है ही नहीं, वॉल का लोड नाम के बराबर है, बाकी जितना लोड है वो कॉलम और बीम के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक। सॉरी चलिए तब तक हम उसका कंपोजिट स्ट्रक्चर देख ले, यानी कि उसमें वॉल वॉल भी लेगा और कॉलम और बीम भी लेगा लोड को, उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलेंगे, जैसे कि हमारा घर बनता है, देखते हैं आप पिलर के साथ ही साथ हम सब दीवार उठाते हुए चलते हैं, कॉलम के साथ ही साथ दीवार उठाते हुए चलते हैं, तो उसमें दोनों कंसिडर करते हैं लोड को, कौन कौन, तो वॉल और कॉलम दोनों लोड को कंसिडर करते हैं, ठीक। तो होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम वॉल और कॉलम दोनों का उपयोग करके रखते हैं। तब तक आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या, तो कंपोजिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सॉरी अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने अभी तक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर देख लिया। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता था, तो पूरा वॉल पूरा लोड वॉल के ऊपर आता था, फिर फाउंडेशन में जाके सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब फ्रेम में पूरा वॉल स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइल में। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर में भी वैसे रहता है, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम और वॉल दोनों में आ जाता है, बीम से आप स्लैब से बीम में आएगा फिर कॉलम में जाएगा, या डायरेक्टली स्लैब से वॉल में आएगा और नीचे फाउंडेशन में जाएगा, मतलब दोनों में आ जाता है मान के चलिए।
देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए उसका फोटो आपके साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, कंपोजिट स्ट्रक्चर का फोटो आपका साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। द स्ट्रक्चर सिस्टम, वैसे स्ट्रक्चर सिस्टम बिल्डिंग बनाने का जिसमें बिल्ड किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों को मिलाकर, मिलाकर ऑफ द बोथ लोड बेरिंग, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। वैसा बिल्डिंग बनाने का वैसा सिस्टम जिसमें बिल्ड किया जाता है किसी भी बिल्डिंग को कॉम्बिनेशन यानी कि लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों को मिला के बिल्ड किया जाता है उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ऑल वॉल, किसमें कंपोजिट स्ट्रक्चर में ऑल एक्सटर्नल वॉल यानी कि बाहरी दीवार जितना भी रहता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है ठीक, बाहरी दीवार जितना भी रहता है विल बी कंसिडर एज ए लोड, लोड बेरिंग वॉल उसको कंसिडर किया जाता है यानी कि उसको लिया जाता है किसके रूप में, तो लोड बेरिंग वॉल के रूप में। एंड ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट, देखिए आपके स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा था उसमें देखिए बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं, उस वो इंटरमीडिएट पॉइंट यानी कि ऐसे जंक्शन के रूप में इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है कि नहीं बीच में। अपने घर में देखिए रूम का एक दीवार खत्म होता है तो बीच में एक कॉलम दिया रहता है, कॉलम वही इंटरमीडिएट पॉइंट, जहां कॉलम दिया रहता है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है कि नहीं, एक बीम इधर से जाता है, एक बीम इधर से जाता है, एक बीम इधर से जाता है, एक बीम इधर से आता है, तो कट रहा है बीच में कि नहीं, तो वही इंटरमीडिएट पॉइंट पे नीचे एक कॉलम दिया रहता है, तो वही कह रहा है इंटरमीडिएट पॉइंट विल बी सपोर्ट बाय द कॉलम, कॉलम के द्वारा वो सपोर्ट दिया हुआ रहता है उसमें। इट इज सुटेबल फॉर, इस प्रकार का मतलब जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा वो सुटेबल कहाँ होता है, वेयर बिल्डिंग हैविंग लार्ज स्पैन, लार्ज स्पैन, स्पैन मतलब कि जो भी होता है फ्लोर बहुत बड़ा हो, सच एज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, हॉल हो, ऑडिटोरियम हो, वेयर हाउसेस हो, वहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें लोड का जो रहता है वो पाथ किससे चलता है, स्लैब या रूप से बीम, यहाँ पे नीचे स्लैश मार के यहीं पे नीचे वॉल भी लिख लीजिएगा ठीक, बीम या वॉल में, फिर कॉलम या वॉल में, उसके बाद डायरेक्ट फाउंडेशन में, फाउंडेशन से फिर सॉइल में चला जाता है, तो यहीं पे हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर यानी कि 1.1 यूनिट 1, यूनिट 1 का 1.1 खत्म होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट वाले में, आप नेक्स्ट वीडियो में क्या कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग यानी कि जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसका कंपोनेंट्स क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर को ही फाउंडेशन बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल ऐसा लेवल होता है जहां से ऊपर हम जो भी बनता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल से जो भी नीचे बनता है उसको जनरली बोला जाता है क्या, तो फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर ठीक, किसी भी बिल्डिंग का वो कंपाउंड के रूप में देख लेंगे। अच्छा ठीक है, सुनिए आपके स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आगे होगा, एक तरफ लोड बेरिंग होगा, एक तरफ फ्रेम स्ट्रक्चर, दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा होगा ठीक, तो वो दोनों देख लीजिए। चलिए दोस्तों आप देख रहे थे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में अंतर क्या क्या है। देखिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट क्या है, तो ऑल वॉल आर कंसीडर लोड बेरिंग वॉल, मतलब इसमें जो भी वॉल लिया जाता है उसको लोड बेरिंग वॉल लिया जाता है। और फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या है, तो ऑल वॉल आर ट्रीटेड एज ए पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो ऑल द वॉल आर कंसीडर्ड विद फाउंडेशन, जो भी वॉल मतलब लिया जाता है वो फाउंडेशन से ही लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। ऑल द वॉल, देखिए इसमें फ्रेम में क्या है, दूसरा पॉइंट, तो ऑल द वॉल आर रेस्टिंग ओवर द प्लिंथ बीम ओनली, मतलब कि जो भी वॉल रहता है वो प्लिंथ बीम के ऊपर रेस्टिंग करता है। थर्ड पॉइंट क्या है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का, तो हेयर वॉल विल बी, मतलब जो वॉल का थिकनेस होता है वो 230 mm के बराबर लिया जाता है, यानी कि लगभग लगभग उतना बड़ा लिया जाता है कि इसमें एक और दो ईटा लग सके ठीक, ताकि दीवार मोटा हो सके और पूरा जो लोड है वो कंसिडर कर सके। एक इधर क्या है, हेयर एक्सटर्नल वॉल जो भी मतलब इसका बाहरी वॉल रहता है कि इसमें फ्रेम बनेंगे स्ट्रक्चर में, वो 200 mm का लिया जाता है, बाकी अंदर जो भी रहता है वो 100 mm तक का भी लिया जा सकता है, यानी कि 10 cm तक का लिया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, तो वॉल विल बी कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन ब्रिक और हाई स्ट्रेंथ सॉलिड रॉक ब्लॉक, सॉरी जो भी मतलब इसमें वॉल बनता है वो सॉलिड ब्रिक से, हाई स्ट्रेंथ सॉलिड ब्लॉक से बनाया जाता है ठीक। लेकिन वही फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या था, ऑल फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब आर बिल्ट टू आरसीसी, इसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो आरसीसी और सीमेंट के द्वारा मिक्स होकर बनाया जाता है फुटिंग कॉलम इस सबको। पांचवा पॉइंट क्या है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसमेल्टिंग लोड बेरिंग वॉल,
इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डिसमेंटिंग लॉर्ड वेरिंग वॉल, मतलब इसमें जो भी लॉर्ड वेरिंग वॉल बनाया जाएगा उसको डिसमेंटल करके हम नया स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, अगर उसको गिराएंगे तो हमारा पूरा घर गिर जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में यह सुविधा हमारे पास रहता है कि हेयर द वॉल कैन बी रिमूव एंड अल्टरनेट इजिली, और दूसरा उसकी जगह पर हम बना सकते हैं। छठा पॉइंट क्या है, तो डिफिकल्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा डोर विंडो ओपनिंग अदर देन द स्पेसिफिक लोकेशन, जो भी मतलब हम दिए हैं एक खास लोकेशन पे जो भी हम दिए हैं विंडो डोर उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में, लेकिन हाँ फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में ये चीज चेंज हो सकता है, जैसे कि एनी चेंजेस आर पॉसिबल इन बिटवीन द स्पेस ऑफ टू कॉलम, दो कॉलम के बीच में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जो वहां पर जरूरत रहा तो। रिक्वायर्ड फ्रेम एंड स्टडी बेसिस लाइक हार्ड सॉइल हार्ड रॉक एटीसी। अगर देखिए लॉर्ड वेरिंग स्ट्रक्चर में सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, तो सातवां पॉइंट क्या है कि जो भी इसका फाउंडेशन का रिक्वायर्ड होता है वो उसमें हार्ड सॉइल और हार्ड रॉक का जरूरत रहता है, क्योंकि पूरा लोड उसका एक ही साथ आ रहा है बीच में संभलने का मौका नहीं दे रहा, अगर वो धंसा तो पूरा पूरा बिल्डिंग धस जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन सातवां पॉइंट फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में इस चीज का हमको अलाउ करता है, क्या कह रहा है देखते हैं। इवन Those the soil having the less and poor bearing capacity, मतलब उसमें लोड सहने की क्षमता पुअर रहता भी, by means of living piles in the soil till it reach the hard strata column can be taken, मतलब उसको आसानी से वहां पर रखा जा सकता है, ठीक। कहने का मतलब यही है कि वहां पर हार्ड सॉइल की जरूरत नहीं रहता, किसमें फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में, हमको वहां पर फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में हम फुटिंग रहता है उसको चौड़ा कर देते हैं बस, जिससे हम लूज सॉइल में भी वहां पे अपना पिलर पाइल जो भी रहता है सब कुछ डाल सके। आठवां पिलर पाइल आपको अगर देखने को मिलेगा, आठवां क्या, तो आठवां लिमिटेड स्पेस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग अप टू 3 फ्लोर, मतलब कि जो भी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाए हैं उसका लिमिट किसमें, लोड वेरिंग स्ट्रक्चर में 3 फ्लोर तक रहता है, लेकिन इसमें बेस्ट सुटेबल फॉर द हाई राइज बिल्डिंग इन वाटर लॉगिंग रीजन, जहां पे पानी जमा होता है उस एरिया में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही लोड वेरिंग और फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। अब देख होप्स आप सब देख चुके होंगे, आप सुन चुके होंगे कि लोड वेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम वेरिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो यही सब याद कर लीजिएगा, देखिए ये हो सकता है डिफरेंस आपसे पूछ ले एग्जाम में, क्योंकि ये इतना तो श्योर है कि डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिप्लोमा के एग्जाम में थर्ड सेमेस्टर में, ठीक। तो ये डिफरेंस एक क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड वेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, तो उसमें ये लिख दीजिएगा। 7 पॉइंट भी लिखिएगा तो बहुत हो जाएगा, 10 ऐसे लिखा हुआ है, 8 से 9 पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें 7 पॉइंट भी लिखिएगा बहुत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी आराम से फ्री में पढ़ सके, कोई खास ही सब्जेक्ट लेकिन पढ़ तो सके, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें इसको। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू की वॉच टीच वाइल इन बिहार।